पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर में जलभराव का निरीक्षण करने सड़कों पर उतरे महापौर ने अतिक्रमण कर जल निकासी में बाधित करने वालों पर नाराजगी जताई। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। शहर का जायजा लेने के बाद एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया, जहां पर पूरे शहर के कनेक्ट हुए नालों से पानी को खींचा जा रहा था। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम की टीम के द्वारा लगातार सफाई का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अतिक्रमण करने वाले लोग जल भराव की मुख्य वजह बन रहे हैं। महापौर ने एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करते हुए बताया कि तेजी के साथ शहर के पानी को 9 पंप चलाकर खींचा जा रहा है और ट्रीटमेंट करके प्रवाहित किया जा रहा है। मानसून की पहली बारिश भला लगातार हो रही है चार दिन से, पर आज जियो रात से लगातार तेज बारिश हो रही है। आज महानगर में जगह जगह अतिक्रमण के बावजूद नगर निगम ने बहुत, हमारे लोगों ने बहुत तेजी से नालों की सफाई कराई और हजारों टन सिल्ट और कचरा इकट्ठा करा। और आज आप देख रहे हैं कि आज जो हमारा एसटीपी प्लांट है, इस पे आज हमने तेजी से पूरे जो महानगर के नाले जो कनेक्ट हुए हुए हैं उन सबको हमने आज तेजी से उसका पानी खींचा। 9 पंप यहाँ पर चल रहे हैं और ये जितना पानी आप देख रहे हैं ये आज का बरसा हुआ पानी है और ये जल्द ही अब इसको हम ट्रीटमेंट करके इसको हम नदी में फेंक देंगे। परंतु आज ये जो बरसा है ये अमृत है, इसको हमें संचय करना चाहिए। भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना चाहिए ताकि जो बरसात का पानी है वो सीधा ज़मीन में चला जाए। जब वो अगर पानी ज़मीन में चला जाएगा तो सड़कों पर बहेगा ही नहीं, सड़कों पर बहेगा तो नालों में आएगा, नालों में आएगा तो ये नदी में चला जाएगा। कल जब हमें, हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी की जरूरत होगी, जल की जरूरत होगी, तब ये जल नहीं हाथ आएगा। ये जल को संचय करिए, अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग लगाइए। ठीक है बिना लक्ष्य के आप मकान बनाए हुए हो, पर वाटर हार्वेस्टिंग जरूर बनाइए ताकि जितना भगवान ने पानी दिया है उस पानी को तो संचय कर लो। बस यही कहना है, धन्यवाद। तो वहीं परियोजना प्रबंधक सैयद तारिक अली ने बताया कि मुख्यतः प्लांट का निर्माण सीवरेज को कलेक्ट करने के लिए किया गया है, लेकिन बारिश लगातार होने की वजह से जल भराव हो रहा है जिसे निकालने के लिए प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है और 9 पंप चलाकर शहर के पानी को खींचा जा रहा है। देखिए यहाँ प्रतिदिन लगभग 28 MLD पानी शोधित हो रहा है डेली, जो कि यहाँ से शोधन होने के बाद रामगंगा नदी में जाता है। रामगंगा नदी में स्वच्छ पानी चला जाता है जिससे में ज़्यादातर यहाँ पे इम्प्योरिटीज उसकी रिमूव कर दी जाती है। लगभग कितना यूज हो रहा है पानी और जो अभी शहर में पानी है जी, उसकी अगर बात करें तो उसमें क्या वजहें सामने आ रही हैं और कब तक ये पानी? देखिए अधिकतर पानी तो आज भी हमने अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे पंप चला के ले लिया है, यहाँ पे जितना हम ले सकते थे। काफ़ी आपको पता ही है 28 MLD पानी की मात्रा भी आपको बताई गई थी, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो पूरा यहाँ पे शोधन हो रहा है, उसको निकाला जा रहा है, जितना मैक्सिमम ले सकते थे इस बार लिया जा रहा है नालों के माध्यम से। अच्छा, सब इसमें जो अहम एक भागीदारी रहती है वो कहीं ना कहीं जो सीवर लाइन है उसको यूज़ करते हुए आप इसका इस्तेमाल करें? बिल्कुल, हम नालों में से सीवर में लेते हैं, सीवर से एसटीपी पानी आ जाता है, यहाँ पर उसका शोधन होता है, उसके बाद यहाँ चला जाता है पानी नदी में साफ होने के बाद। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसका और भी ज़्यादा फायदा? बिल्कुल, ये अभी तो 28 MLD पर चल रहा है, इसकी टोटल कैपेसिटी 58 MLD है। अभी हम 10,000 घर और जोड़े हैं हमने और 50,000 घर हम अभी और जोड़ने जा रहे हैं, जिसका टेंडर निकला हुआ है। ये प्रक्रिया अगले 10 से 12 महीने में पूरी हो जाएगी घर जोड़ने की, तो उसके बाद ये 58 MLD पर पूरा ही चलेगा।
फिर आसानी से फिर जल भराव की जो समस्या है, जल भराव की समस्या और मेन तो ये सीवर के लिए, सीवर की समस्या आपकी, सीवेज की समस्या बहुत ज्यादा हल हो जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।